अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू हफ्साज किचन। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं हफ्साज किचन यूट्यूब चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है बड़ा ही टेस्टी चिकन रोस्ट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी में जाने से पहले मैं आपको आज की अच्छी बात बताती चलती हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर शख्स वो है जो सलाम को आम करे। अबू दाऊद की रवायत है। अमल की बात, इस हदीस में मुसलमानों को सलाम को आम करने की तरगीब दी गई है। जितना हम एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, सलामती की दुआ देंगे, जैसे ही दूसरा बंदा वालेकुम अस्सलाम कहेगा, वो सलामती की दुआ हमारी ही तरफ पलटेगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। चलें अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने चिकन के लेग एंड थाइस लिए हैं 5। आप जितना लेंगे उसके मुताबिक मसाले को सेट कर लीजिएगा। नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। चाट मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ये मैंने कलर के लिए लिया है, आप इसकी जगह येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। लहसुन अदरक की पेस्ट ली है मैंने 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है, आप इसकी जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून। मैंने दही लिया है 3 टेबलस्पून। अब मैं चिकन पीसेस को कट लगा लेती हूँ। हमने चिकन पीसेस को कट लगा लिए, अब हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अब मैं नमक डाल रही हूँ। अब मैं धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अब मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अब मैं लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर रही हूँ। हमने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। जो मसाला हमने रेडी किया था वो हम ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम मसाले को अच्छे से कट्स में ऐड कर देते हैं। हमारा चिकन मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे पका लेंगे। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैं चिकन पीसेस डाल रही हूँ इसमें। मैं इसका मसाला भी इसी के ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं इसे लो फ्लेम पे कवर करके 15 मिनट तक पका रही हूँ इस साइड से। फिर 15 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी साइड चेंज कर देते हैं चिकन की। अब हम चिकन की इस साइड को भी कवर करके 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये देखें हमारा कुक हो चुका है अच्छे से, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चिकन रोस्ट रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।